यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। फ्रेंडशिप इज माय फेथ, फ्रेंड इज माय लाइफ। योर सफरिंग इज अवर पेन, योर ड्रीम्स आर अवर ड्यूटी, योर स्ट्रेंथ इज अवर बिलीफ, योर करेज इज अवर इंस्पिरेशन। अफगानिस्तान आज जिस बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसकी पीड़ा भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। अफगानिस्तान के जिस भविष्य को भारत ने रोशनी दी, आज उस पर आतंक का काला साया मंडरा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण सड़कों, बांधों, बिजली लाइनों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया। Some even tried to discourage us. But we are here because you have faith in us. We know that Afghan success will require the cooperation and support of each of its neighbors. And all of us in the region, India, Pakistan, Iran, and others must unite in trust and cooperation behind this common purpose and in recognition of our common destiny. पर अचानक किसकी नजर लगी कि अफगानिस्तान पर तालिबान का साया फिर से छा गया। दुनिया की महाशक्तियों ने सिर्फ अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया, पर वो भारत ही था जिसने हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया। तालिबान अफगानिस्तान को बर्बाद करने पर तुला है, धीरे धीरे अफगानिस्तान के शहरों को निगलता जा रहा है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए और अफगानिस्तान फिर से विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाए। आपको याद होगा कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन किया था। अफगानिस्तान की संसद में एक हॉल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। भारत ने अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में सलमा डैम बनवाने में अफगानिस्तान की मदद भी की थी, पर अब अचानक अफगानिस्तान में सब थम गया है। देश आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहा है। अमेरिका अचानक अफगानिस्तान से निकल गया, कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सभी देश अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं। पीछे सिर्फ अफगानिस्तान के लोग बचे हैं और तालिबान का आतंक। भारत कूटनीतिक तौर पर जल्द से जल्द अफगानिस्तान को बचाना चाहता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाकर भी चर्चा की है। भारत नहीं चाहता कि जिस अफगानिस्तान को खड़ा करने में उसने सबसे ज्यादा मदद की है, वो ऐसे लड़खड़ा कर गिर जाए।